जाए। मुखिया सिंह को पास में बिठाए, झूठा कागज लिखवा के बीकानेर राठौड़ दरबार राजघराने में भेज दिया गया। जब रानी साहब के पास कागज कागज पहुंचा और पृथ्वीराज सिंह जी महाराज ने अपनी भगवती को याद किया, राजन भाई साहब ने याद किया कि भगवती आप मैंने वचन दिया था कि अगर मारा संकट आवेगा तो आप मारे संकट को निवारण करने वास्ते हाजिर होला। आज मारे जीवन को सबसे बड़ो संकट है, पृथ्वीराज आपकी सर कटने से कभी नहीं डरे। पर आज पृथ्वीराज सिंह जी, आज पृथ्वीराज जी आज आपके चरणों में पड़ी है भगवती। आज अगर कोई संसार में वे तो लाज बचा, आप थारो जन्म जन्म पृथ्वीराज दास रहे। अभी बैठे सू राजन भाई साहब दिल्ली निवास से रवाना हुआ, भगवती करणी जी महाराज स्वयं दिल्ली निवास से रवाना हुआ। और जो ही वह बग्गी वह टोली अकबर के दरबार में पहुंची, अकबर बड़ो खुश हुआ कि आज बीकानेर राज घरे सुरानी आई है। और बात आप अभिमान बस उन डोली रो और बग्गी रो पट हटायो, माँ करणी जी माँ राजल भाई साहब वहां में सिंह रो रूप धारण करो बैठा था। सीधो अकबर ने घरे सु पकड़ और नवखंडी दिल्ली ने महल ने मत ले जा और विराजमान किए। अकबर चिल्लाने लगो आप पैगंबर पीर ओलिया ने मना लागो, करणी जी महाराज कोप होए, कोप तो कहो कि अगर थारो पीर पैगंबर ओलिया अल्लाह खुदा अली को इन धरिया मत दे तो आज बुला और आज अगर तुम्हें करणी सु कोई बचा दियो तो बता। अकबर बादशाह आप पीर पैगंबर ओलिया सभा ने मनाया पर उन जगह भगवती आगे सभा हाथ झटक लिया और कहो कि करणी जी आगे कोई नहीं आ सके, अगर इनसु बचो है तो वारी सजा कितने। पर करणी जी महाराज अकबर ने कहो ये देख थारो नव लख सकता जी, देख थारो। उस वक्त की सच्ची घटना कहा जाता है कि अकबर की घुमत के ऊपर 9 लाख सवलिया यानी 9 लाख चील आ और अकबर को भख लेवन वास्ते अकबर ने खावन वास्ते कहो ये आज थारो 9 लख सकता जी, ये आज थारो 9 लख सकता भख लेवन आई है। राजा राजा के पति रो रूप परी